तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो मास बॉडी ए मास इज सपोर्टेड बाय ए फ्रिक्शन एंड हॉरिजेंटल सरफेस। ए मास जो है सपोर्टेड बाय ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट अबाउट ए फिक्स सेंटर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब कुल मिला के एक ऐसा है, एक स्मूथ सरफेस है, एक टेबल ही मान लो, क्या दिक्कत है, ये एक टेबल है ये वाली, और यहाँ से तुम देखोगे कता मास सपोर्टेड फिर और ये अटैच टू ए फिक्स स्ट्रिंग, यहाँ सेंटर ओ से एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे एक मास ऐसे बंधा हुआ है, दिस इज द मास एम, और ये स्ट्रिंग से बंधा है और ये यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस टेबल पे ही सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा नॉट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डबल, अगर लेंथ और एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो डबल, इफ़ द लेंथ भी डबल करते हो ओमेगा भी डबल करते हो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग द इनिशियली टी नॉट था तो फाइनल कितना होगा। तो अब देखो, इनिशियली अगर ओमेगा से घूम रहा था तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा तो तुम इस पे स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है तो सबसे पहले अगर फोर्स देखोगे तो नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा और एम जी इस पे नीचे लगेगी, और कोई फोर्स सिर्फ इधर टेंशन लगेगा टी नॉट। तो जब ओमेगा से घूम रहा था इनिशियली तो टेंशन टी नॉट था, तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, टेंशन टी नॉट प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स और उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ द बॉडी एम एल और ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन जब फाइनली कुछ चेंजिंग कर दोगे, फाइनली तुमने क्या किया, हमने बेटा हमने स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड बोथ दोनों डबल कर दिए, तो मान लो जो टेंशन हो गया, जो क्योंकि जो टेंशन है भाई ये सब ग्राउंड से देख रहा कोई ऑब्जर्वर, तो वो बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक ना, और वो टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो अब टेंशन मान लो टी डैश हो गया और वो आ जाएगा एम एल डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर, तो एम एल की वैल्यू 2 टाइम्स एल होगी और ओमेगा की वैल्यू 2 टाइम्स ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, तो यह आ जाएगा 8 टाइम्स एम एल ओमेगा नॉट का स्क्वायर, मतलब 8 टाइम्स टी नॉट आ जाएगा, तो नया टेंशन जो है वो 8 टाइम्स टी नॉट आ जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन सही है। बाय बाय, टेक केयर।